हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यू पीवीसी और सी पीवीसी फिटिंग्स की। कई बार ऐसा होता है कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर प्लम्बरिंग में कौन कौन सा सामान यूज़ होता है और उन सामान के क्या क्या नाम होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें देखिए, सबसे पहले हम एल्बो की बात करते हैं। टी, साकेट, ब्रास टी, इसमें देखिए ब्रास लगा हुआ है, ये ब्रास टी है, ये सोल्यूशन है। उसके बाद ये हाफ सेट है, तो देखिए हाफ मुड़ा हुआ है। इसके बाद ये आपका आता है ब्रास एल्बो, MTA, FTA, इंड कैप, ये देखिए गोल सा है इंड कैप, ये एक है क्रॉस टी। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए यूनियन, ये एक यूनियन है, ये रिड्यूसर एल्बो है, ये रिड्यूसर साकेट है, ये रिड्यूसर बॉल वॉल्व है, ये टैपलॉन है, हाँ ये क्रॉस बैंड है। उसके बाद ये आपका रिड्यूसर टी है, टैंग निप्पल है और थोक है। ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जो कि हम प्लम्बरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों की डिटेल आपको दूंगा कि किसका कहाँ यूज़ होता है। देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे एल्बो की। तो ये देखिए, ये एल्बो है, ये देखिए ये 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। जहाँ पर भी हमें पाइप में मोड़ लगाना होता है उस जगह पे हम इसको एल्बो का यूज़ करते हैं। ये सादा एल्बो है, देखिए इसमें दोनों तरफ सिर्फ सादा 90 डिग्री पे ये मुड़ा हुआ है, इसमें कहीं पर भी ब्रास नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसे हम ब्रास एल्बो कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टी की। तो देखिए दोस्तों, ये टी है, ये नॉर्मल देखिए सादा टी है, ये सभी एक ही साइज के हैं, तो हम इसको आप टी कहते हैं। ये टी के शेप में है, जब भी पाइप को हमें किसी तीन एंगल पे मोड़ना होता है तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साकेट की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है साकेट, ये बिल्कुल सीधा सा है, दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम साकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये आपका ब्रास्टी। ब्रास्टी देखिए दोस्तों, ब्रास्टी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टीब है, इसमें ब्रास लगा हुआ है। ब्रास का मतलब ये चूड़ी है, जहाँ पर भी हमें टोटी के लिए या टैप्स के लिए, बाथरूम के टैप्स वगैरह के लिए जहाँ हमें पॉइंट देना होता है वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सी पी वी सी एडेसिव। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये एडेसिव है जिसका यूज़ बेसिकली पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब भी हम पाइप जोड़ते हैं तो उसमें इस तरीके के किसी भी दूसरी कंपनी या किसी भी कंपनी के एडेसिव का यूज़ करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे आप सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे हाफ सेट की। हाफ सेट यानी देखिए, ये हाफ मुड़ा हुआ है, 90 डिग्री पे ना होके 45 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम हाफ सेट कहते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सामान, इसका नाम है ब्रास एल्बो। देखिए इसमें ब्रास एल्बो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रास लगा हुआ है, देखिए जहाँ पर भी टूटी या टैप्स के लिए हम पॉइंट देते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं MTA की। MTA यानी मेल थ्रेड से रिलेटेड होता है, इसकी ये देखिए बाहर निकला होता है, तो यहाँ पर हम MTA का यूज़ करते हैं इसलिए हम MTA का यूज़ करते हैं। इसी तरीके FTA यानी फीमेल थ्रेड, तो फीमेल थ्रेड में चूड़ी अंदर होती है, ये भी ब्रास का ही होता है, तो इसको हम FTA कहते हैं। फिर बात करते हैं इंड कैप की। इंड कैप का मतलब जिससे डिफाइन होता है कि इंड कर देना, किसी चीज़ को हमें बंद करना, तो ये इंड कैप है जो कि आपका इंड कर देता है, जहाँ से भी आपको पॉइंट आगे नहीं ले जाना है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये है क्रॉस टी। क्रॉस टी का यूज़ ज़्यादातर उन जगहों पर होता है जहाँ पर हमें एक ही जगह चार पॉइंट देना होता है, तो क्रॉस टी लगा के हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनियन की। यूनियन जैसा कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, जब दो चीज़ों को हम आपस में जॉइन करते हैं तो उसको हम यूनियन कहते हैं। ये देखिए, ये है यूनियन, एक पाइप इसमें लगाते हैं इस साइड में, एक पाइप इस साइड में, दोनों लगा के हमने इसे असेंबल किया, तो ये यूनियन का काम करता है। ये तब लगाया जाता है जब हमें रास्ते में देखना हो कि पानी आगे आ रहा है या नहीं, तो यूनियन को खोल के हम कई बार चेक कर लेते हैं कि पानी आता है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसर एल्बो। कई बार होता है कि हमने एक इंच से कनेक्शन का पाइप लिया और उसे हमने आधी में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए जब हमें कन्वर्ट करना है तो ये देखिए, यहाँ से एक इंचेस का है, यहाँ से ये हाफ इंचेस का है, इसको रिड्यूसर एल्बो बोलते हैं।
ये उसी तरीके ये रिड्यूसर सॉकेट का काम करता है, यानी एक इंच से कनेक्शन आता है और ये आधे में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम रिड्यूसर सॉकेट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम बॉल वाल्व, इसे बॉल वाल्व कहा जाता है। बॉल वाल्व क्यों कहा जाता है, जब भी हमें कनेक्शन बंद करना होता है पानी का, या हमारे टंकी से पानी आ रहा है, हम किसी वजह से उसे बंद करना चाहें, तो बॉल वाल्व, देखिए अंदर बॉल जैसा कुछ लगा होता है, इसलिए इसे बॉल वाल्व कहा जाता है। इसे देखिए ये ऑफ हो गया और ये घुमाने पे ऑन हो गया, इसे बॉल वाल्व कहा जाता है। हाँ, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बॉल वाल्व के बाद, ये है हमारा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन टेप, जो नॉर्मली टैप्स वगैरह लगाने में हम इसे लगाते हैं, तो इसे टेफ्लॉन बोलते हैं। उसके बाद है ये क्रॉस बैंड, जैसा कि इसका नाम क्रॉस बैंड है, ये दोस्तों देखिए ये क्रॉस बैंड है। क्रॉस बैंड का नाम क्रॉस बैंड इसलिए है क्योंकि एक पाइप को अगर हमें ऊपर से क्रॉस करवाना होता है दूसरी ओर, उस पहले वाले कनेक्शन को डिस्टर्ब किए बिना, तो इसे हम क्रॉस बैंड कहते हैं। उसी तरीके ये रिड्यूसर एल्बो है, रिड्यूसर टी है, देखिए ये एक इंचस में इधर से है, इधर से हाफ इंचस में, तो ये एक से हाफ में हमने इसे कन्वर्ट किया, इसलिए ये रिड्यूसर टी बन गया। ये है हमारा टैंक निप्पल, जैसा कि आपको बताया टैंक निप्पल का काम होता है कि जब टंकी में हम छेद करते हैं नई टंकी के कनेक्शन में, तो उसका हम यूज़ करते हैं टैंक निप्पल, इसका टंकी टैंक में छेद करके आगे से पाइप लगा के इसका कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे हुक की, ये देखिए दोस्तों ये हुक है जो पाइप को जहाँ पर भी हम लगाते हैं तो वहाँ पर हुक के थ्रू पाइप को टाइट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक मोटा मोटा सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि प्लम्बरिंग में क्या क्या सामान यूज़ होता है, ये मेरी वीडियो की शुरुआत है, अभी मैंने इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। जैसे ही आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आगे आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ और भी चीज़ों का प्लम्बरिंग से रिलेटेड, तो उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। अभी इन सारे प्रोडक्ट को मैं एक एक करके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इनका कहाँ कब और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।